नमस्कार दोस्तों, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा की पहली बैच की मैथ शुरू हो चुकी है। आपने दूसरी बैच यानी कि जो 9 बजे से क्लास होती है उसमें आपने बहुत से महत्वपूर्ण पाठों को पढ़ लिया है और बहुत से महत्वपूर्ण सवाल कर लिए हैं। तो आज हम दशमलव पर ही आधारित उसी बैच के क्रम में आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगली बैच आपको 9 बजे से मिलेगी शिक्षक भर्ती की, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला सवाल है 0.7 + 0.6 = 0.7 = 0.8, लेकिन इसमें ऊपर बार लगा हुआ है। बार जानते हैं ना, जब किन्हीं संख्याओं का बार बार रिपीटेशन होता रहता है, रिपीट होता है, तो उसमें एक चिन्ह बार लगा दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? बार बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब समझिएगा, इसको हमें जोड़ना है, इसका उत्तर क्या आएगा ये आपको समझना है और जानना है, ठीक है। तो बात समझने की कोशिश करिएगा कैसे आएगा और क्या आएगा। देखिए, एक बात याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए, अगर किसी संख्या पर एक अंक पर बार लगा है तो आप उसे उस अंक को उतार करके नीचे 1 बार 9 लिख देंगे, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। जैसे 0.3 लगा है, 3 पे बार लगा है, तो इसे आप 3/9 लिख देंगे। अगर 5 पर बार लगा है तो इसे आप 5/9 लिख सकते हैं। इतना बात समझ गए ना? तो उसी ट्रिक पे चलिएगा और इसी ट्रिक के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सवाल का जवाब फिर आपको मिल जाएगा जो आपके सामने दिख रहा है। तो 0.6 को आप 6/9 लिख सकते हैं, 0.7 पर बार है तो इसे आप 7/9, और प्लस 0.8 पर बार है तो आप इसे 8/9 लिख सकते हैं, है ना। इतना लिख सकते हैं। अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच उससे पूछ सकते हैं और अपने बातों को सुलझा सकते हैं, ठीक है। जोड़ दीजिए, 7 6 13, 13 8 आप जानते, 13 7 20 ही हो जाएगा, 21/9 इसे आप काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 3 9, मतलब कि ये आ जाएगा 7/3, है ना। 7/3 आया। अब आप 7 में 3 से भाग दीजिए, 3 2 6 घटाने पर 1 आया, ऊपर 0.0 उतरा, 7 1 7 घटाने पर 3 आया, फिर 0, 7 4 28 घटाने पर 2 आया, फिर 6 जाएगा, 3 6 ये 18, फिर 2 आया, फिर 0 उतारा, 3 6 18, मतलब फिर ऐसे 6 6 बढ़ता चला जाएगा, यानी कि 2.14 के बाद में क्या होगा, ये लगभग में ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना। अगर कोई सवाल है तो आप निसंकोच उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें से कोई ऑप्शन सही होगा, जो भी ऑप्शन हो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से लगा ले, समझ गए ना। देखिए दोस्तों, ये भाग की प्रक्रिया कुछ गलत थी जो अभी आपने देखा था, है ना, गलत थी ना। ये 2 2 4 कितना बार गया, 3 2 6 तो गया, घटाने पर 1 आया, दशमलव बढ़ा के 0 उतारा, 10 हुआ ना। अब 3 का पहाड़ा 10 में कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 9 आएगा, इसमें से घटाएंगे 1 आएगा, 1 0 उतारेंगे फिर 3 बार जाएगा, 9 आएगा, फिर 1 आएगा, 0 उतारेंगे फिर 3 बार जाएगा, यानी ये बार बार 3 3 बार जाता चला जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 2.33 के ऊपर बार, समझ गए। तो इसका टोटल उत्तर आ जाएगा 2.33 के ऊपर हो जाएगा बार, और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा तो आप लोग इसे समझ जाएंगे। ये किसके बराबर है इसे आपको बताना है, ठीक है, बात समझ रहे ना। देखिए, अगर इसे हम देखें ध्यान से, तो 2.33 × 2.33 + 0.33 और × 0.33 और −0.66 × 2.33, ये है ना, कह रहा है ये किसके बराबर है। ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक, क्लियर। आगे बढ़े, देखिए, अगर आप लोग एक बात ध्यान दें, इसकी जगह पर ए मानते हैं, इसकी जगह पर बी, तो ये हो जाएगा ए गुणा ए और धन ये बी गुणा बी, है ना, और ये हो जाएगा 2ab। कैसे कैसे? देखिए, ये बराबर है ना, मान लेते हैं अगर ए बराबर 2 दशमलव कितना है, 3 3
और b बराबर 0.33, तो ये आपका सूत्र बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिला के a का स्क्वायर हो गया, ये हो गया b का स्क्वायर, माइनस देखिए a जो है वो तो सीधा सीधा यहां लिखा है a, लेकिन b जो है b 0.33, ये जो आपका फार्मूला होता है 2ab, इसमें ये b जो है वो 2 को लेकर के इंक्लूड हो गया है, यानी कि 2 का गुणा हो गया है 0.33 में, और इस तरह से ये 0.66 आपका बन गया है, है ना, 0.66, यानी कि हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2.33 माइनस 0.33 इसका होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना। तो बस सिंपल सी बात है, फार्मूला हमें अब नहीं खोलना है, क्योंकि ये फार्मूला का क्या किया गया, छोटा किया गया फार्मूला लगा के, 2.33 से 0.33 घटाएंगे, ये तरीका अपनाएंगे, 3 से 0 ये 0 ये 2, कुल मिलाकर के 2 आएगा, इसका होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 आपका उत्तर। जल्दी से आप लोग नोट कर लें और फिर देखते हैं आगे और बढ़ते हैं कुछ आगे प्रोसेस पे, ठीक है। इसी क्रम में अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप लोग बता दें इसका आंसर कितना आएगा। ऑप्शन है 7, 8, 9, 10, क्वेश्चन समझिएगा। 5.47 इंटू 5.47 माइनस 4.53 इंटू 4.53 का मान आपको बताना है, जल्दी से आप लोग क्लियर करें फट से कितना आएगा। देखिए अगर आप इसे a मान लें और इसे b मान लें तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा a गुणा a माइनस b गुणा b, नीचे आपका हो जाएगा 0.94, इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, देखिए ये दोनों इक्वल है ना, वही सेम टू सेम, तो a इंटू a कर सकते हैं, इसको b मान लें तो b इंटू b, आपका एक फार्मूला बनेगा, बचपन में पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे जो था उसको ऐसे लिख दें, कुछ नहीं करना है, बात समझ में आई, है ना। तो ये फार्मूला क्या होता है आपका, ये फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, यही तो होता है, नीचे जो है उसको ऐसे लिख दे, ये समझ में आया, ये मैंने आपको फार्मूला बताया, तरीका बताया, फार्मूला आपको ऊपर यही फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है, समझ रहे ना, नीचे से नहीं मतलब। अब सवाल पे चलते हैं, तो ये सवाल पे चलेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी टोटल हल हो के, यानी कि 4 ये 5.47 प्लस ये आपका क्या था 4.53, यानी a प्लस बी की जगह पर रख दिया, अब a माइनस बी की जगह पर 4.57 माइनस 4.53, नीचे जो दिया गया उसको ऐसे लिख देंगे 0.94, है ना, बात समझ रहे हैं। अब इसी को गुणा कर देंगे, जोड़ घटा देंगे, बस हो गया क्लियर आपका उत्तर, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन तो आपके सही है ना, आपने ऑप्शन देख लिया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इनको अगर हम जोड़ना चाहें और उनको घटाना चाहें तो कितना आएगा, देखिए ये 5.47 से आप घटाइए 4.53, ध्यान दीजिएगा 17, 7 में से 3 गया 4, ये 14 में से 5 गया 9, 0.94 आएगा घटाने पर, जोड़ने पे कितना आएगा, इधर जोड़ लेते हैं, ये 4.53, 7 × 3 = 10, 8 × 5 = 9, 10 × 8 = 10, जोड़ने पर आएगा 10.00, गुणा करने पर 0.94, नीचे है आपका 94, ये कट गया, इक्वल आ गया 10 आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही, ठीक है। सभी लोग जल्दी से नोट कर ले, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और दोस्तों चलते चलते आपको बता दें ये सवाल आपका हो चुका है, अगर आप लोगों ने अभी तक पीबीआर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, और वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लें अगर आप इसे लिखना चाहते हैं और आपने नहीं लिखा तो, ठीक है, समझ रहे ना, तो जल्दी से इसे नोट कर लें, बिल्कुल टेंशन ना लें,
सब कुछ अच्छा होगा और मैथ आपको आएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगली क्लास 9 बजे से होगी आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप विजिट कर सकते हैं आपकी अपनी वेबसाइट pvrstudy.com। हर एक समस्याओं के समाधान के लिए आपकी pvrstudy.com, करंट अफेयर, EKGS और अन्य स्टडी मटेरियल के लिए PDF फाइल वगैरह के लिए vidyacc.com। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करें 97-93-48-84-48, या आप हमें फोन कर सकते हैं 99-35-720-392। अगला नंबर आप लोग जानते हैं, है ना, ये 3-2 कर देंगे तब भी वही होगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, अगली क्लास जरूर देखिएगा, बस आज के लिए इतना ही।